स्वामी विवेकानंद परिव्राजक को कहते हैं कि एक देशीय वस्तु निराकार भी हो सकती है, हाँ ठीक है। किंतु मेरा तर्क है कि विज्ञान के सरल से सिद्धांत अनुसार ब्रह्मांड के प्रत्येक एक देशीय वस्तु की गई है, ना कोई सीमा अवश्य होगी। जो एक देशीय होती है उसका सीमा अवश्य होती सीम है, ठीक है। अर्थात तो प्रत्येक एक देशीय वस्तु की कोई ना कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। होगी जिस वस्तु की कोई ना कोई सीमा अर्थात लंबाई ऊंचाई चौड़ाई होगी तो उसका कोई ना कोई आयतन होगा, किंतु वस्तु का कोई ना कोई आयतन है, जिस वस्तु का कोई ना कोई आयतन है उसका कोई ना कोई आकार होगा। ये झूठ है, ये प्रतिज्ञा, ये जो आती है गलत ये है। झूठ है। जिसका सीमा होगी उसका आकार भी होगा, ये झूठ है। क्यों झूठ है? इसका उत्तर ये है कि अगर आप उसको आकार वाला मान लेते हैं, उसकी सीमा है, बाउंड्री है, सीमा है, बाउंड्री है, वो तो मैं भी मानता हूँ, आत्मा एक देशी है, छोटा है। अगर आप उसको बाउंड्री होने की वजह से साकार मानते हैं, तो मेरा इस पर उत्तर ये है कि जितनी भी साकार वस्तुएं हैं वो सब की सब जड़ पदार्थ हैं। तो क्या आप आत्मा को जड़ मानेंगे? साकार तो मान रहे हो, जड़ भी मानोगे? ट्रेन, स्कूटर, कार, रोटी, कपड़ा, टेबल, कुर्सी, रेडियो, टीवी, ये सारी साकार वस्तुएं हैं और सब की सब जड़ हैं। आप एक भी चेतन वस्तु बताओ जो साकार हो और चेतन हो, एक भी दिखाओ। मैं करोड़ों चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, ये सारी धरती भर की, सारी दुनिया भर की चीज़ें जड़ हैं और ये सब साकार हैं। आप एक एक उदाहरण तो दो। पर स्वामी जी, इसका जो उनका जो है, हाँ जिसका आकार है, जिसका लंबाई चौड़ाई है, हाँ वो जो साकार, जिस वस्तु का लंबाई चौड़ाई होता है, तो उन्हें प्राप्ति कर, जिस वस्तु का कोई ना कोई आयतन है उसका कोई ना कोई आकार होगा। नहीं होगा। आकार गुण अलग है, परिमाण गुण अलग है, इनको यही तो भ्रांति है। तो ये जो हम बताना चाहते हैं स्वामी जी यहाँ पर, कि ऐसे कोई दृष्टांत है आपके पास हाँ में है। जिसका आकार जो आयतन है परंतु आकार नहीं है, है, जैसे ईश्वर है, ईश्वर है। ईश्वर में अणु, ईश्वर में परिमाण गुण है और आकार नहीं है। परिमाण गुण अलग चीज़ है, आकार गुण अलग चीज़ है। आकार जड़ वस्तु में होता है, परिमाण चेतन जड़ दोनों में होता है। ईश्वर में परिमाण है, आपने दर्शन पढ़ा है वैशेषिक, अणु परिमाण, महत परिमाण पढ़ा है कि नहीं? और कठोपनिषद में लिखा है अणोर अणियान महतो महियान, पढ़ा है कठोपनिषद? अणोर अणियान महतो महियान। ईश्वर अणु से भी अणु है, महत से भी महत है, छोटे से भी छोटा है, बड़े से भी बड़ा है। अब आप अणु शब्द देखकर आप उसको साकार कहोगे तो ईश्वर को भी साकार मानना पड़ेगा। मानोगे ईश्वर को साकार? नहीं, वो तो भी है, मुझे कुछ अलग लग रहा है स्वामी जी। ईश्वर में परिमाण गुण सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? परिणाम तो व्यापक है, बड़ा है, उसका लंबाई जो चौड़ाई पूछता हूँ वो बताओ, ईश्वर में परिमाण गुण सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? अणु और अणियान, महतो महिमान महियान, दोनों परिमाण है उसमें, अणु भी और महत भी है। ये प्रमाण दे रहा हूँ कठोपनिषद का। ठीक ईश्वर में परिमाण गुण सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? हो है, भेद परिमाण गया है। हाँ ना? जी, तो क्या उसमें आकार भी है? उसमें आकार नहीं है, क्यों ऐसे उसका। ही आत्मा में परिमाण तो है पर आकार नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ वो झूठ बोल रहा है। उसमें परिमाण है, आकार नहीं है। आत्मा में अणु परिमाण है। और वैशेषिक का सूत्र देता हूं प्रमाण के रूप में, विभवान महान आकाशः तथा च आत्मा। विभू होने से आकाश महत परिमाण वाला है, तथा च आत्मा, परमात्मा भी ऐसा है, वो भी विभू है, इसलिए उसमें महत परिमाण है, परिमाण गुण सिद्ध हो गया ईश्वर में। ठीक है। तद अभावात अणु मनः, विभुत्व का अभाव होने से मन अणु है, तथा च आत्मा, जीवात्मा भी वैसा ही है, वो अणु है। तो अणुकार यहाँ साकार थोड़ी करेंगे, अणु का मतलब छोटा है, परिमाण है, ये अणु परिमाण का नाम है। तो उसमें परिमाण तो सिद्ध हो रहा है पर आकार नहीं हो रहा, आकार मानते ही जड़ होगा। मेरा आक्षेप है आकार मानते ही वो वस्तु जड़ हो जाएगी। आत्मा को आप जड़ मानो, तो मानोगे? फिर कि जो जो वस्तु में आकार है वो जड़ जड़ है, जी, इसका कैसे व्याप्ति लगाएंगे? ये कोई प्रत्यक्ष है ना, ये आपको
दिख रहा है इसमें आकार आकार है या नहीं जी। ये जड़ है या चेतन है? जड़ है। तो फिर आत्मा को साकार मानोगे वो भी जड़ होगा। यहाँ जितनी चीज़ें दिख रही हैं आँख से सारी साकार हैं और सारी जड़ हैं, एक भी चेतन दिखाओ। ये 50 उदाहरण देख लो अपनी आँख से, आपके सामने दिख रहे हैं। अच्छा, कोई शब्द प्रमाण स्वामी जी ऐसे हैं हाँ, जो जो निराकार होते हैं हाँ, उसका जो चेतन होते हैं उसका आकार नहीं होता है। हाँ, चेतन का आकार नहीं होता, ऐसे शब्द प्रमाण है? बिल्कुल है। जीवात्मा का जीवात्मा को निराकार बताया महर्षि दयानंद जी ने पूना प्रवचन में। पूना प्रवचन में बताया? दो प्रमाण मेरे पास हैं पूना प्रवचन के। प्रथम उपदेश हाँ, चतुर्थ उपदेश दो जगह लिखा है कि जीव आकार रहित है। जीव आकार रहित है, ये लिखा है, साफ लिखा है। पूना प्रवचन ने स्पष्ट बताया। बिल्कुल है, मेरे पास फोटो में दिखा दूंगा। जो शंका करने वाला व्यक्ति है वो भी महर्षि दयानंद जी को स्वीकार करते हैं। करते हैं, पूना प्रवचन को स्वीकार करते हैं। तो दो प्रमाण है, प्रथम उपदेश में और चतुर्थ उपदेश में, दो जगह लिखा उन्होंने जीव निराकार है। ये स्पष्ट जीव शब्द भी है, जीव भी लिखा है, ठीक है, बिल्कुल साफ लिखा है। ये एक प्रमाण हो गया। मैं आपको उसका फोटो भेज दूंगा, ठीक है सर, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आप उनको पहुंचा देना, ठीक है, जिनका प्रश्न है जी सर। दूसरे स्वामी जी, अच्छा, और ये दो फोटो तो वहाँ हैं, दो स्थल पर जी। तीसरा सत्यार्थ प्रकाश में सातवें समुल्लास में लिखा है जी। एक प्रश्न उठाया है जहाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम सूत्र है जी सर, उसके अगले पृष्ठ पर लिखा है कि ईश्वर साकार है व निराकार जी। उत्तर दिया निराकार, फिर आगे कुछ तीन चार वाक्य लिखे हैं, फिर वहाँ लिखा है कि ईश्वर जो है अवयवों को संयुक्त करके वो जो है सृष्टि आदि को बनाता है, और जो अवयवों के संयोग से कोई वस्तु बनाता है तो उसको बनाने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। ये शब्द हैं स्वामी दयानंद के, निराकार चेतन, ये दोनों शब्द हैं। तो वो कह रहे थे कि ईश्वर ने अपना शरीर स्वयं बना लिया होगा, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ईश्वर ने अपना शरीर स्वयं बना लिया होगा, तो उन्होंने कहा चाहे स्वयं बनाए तो भी ये सिद्ध हुआ कि पहले नहीं था, और अगर कोई दूसरा बनाएगा तो अगर ईश्वर का कोई शरीर बनाएगा तो वो चेतन और निराकार होना चाहिए। ये स्वामी दयानंद के दोनों शब्द हैं वहाँ सातवें समुल्लास में। तो वहाँ जब लिखा है कि ईश्वर संयोग से वस्तुओं को बनाता है, जो भी कोई संयोग से बनाएगा वो चेतन और निराकार होगा। अगर ईश्वर अवयवों का संयोग करके सृष्टि को बनाता है और वो चेतन है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर निराकार है जी। अगर ईश्वर सृष्टि करता है, चेतन है, निमित्त कारण है और वो निराकार है जी। तो क्या जीवात्मा लकड़ी लोहे को लेकर स्कूटर कार नहीं बनाता है? अगर जीवात्मा भी वो भी निर्माता है, चेतन है, और वो भी रोटी बनाता है, ट्रेन बनाता है, कार बनाता है, जहाज बनाता है, तो वो चेतन निराकार क्यों नहीं होगा? सही। जब ईश्वर चेतन होकर निराकार है, रचनाकार जी, तो जीवात्मा भी तो रचनाकार है, वो चेतन होकर निराकार क्यों नहीं होगा? बिल्कुल निराकार होगा, ये सीधा प्रमाण है सातवें समुल्लास का। स्वामी शास्त्र में जैसे योग दर्शन में स्वामी जी बताया गया अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा चित्ति शक्ति आत्मा के विषय बताया गया हाँ, तो इसमें से भी हम बता सकते हैं क्या, ये भी इस हेतु से, इस हेतु से बता नहीं, वो उपदेश मंजरी के दो प्रमाण निराकार लिखा है हाँ, वो दे तो दिया दो प्रमाण, ठीक है। आप साकार वाला एक भी दिखाओ, साकार वाले की इनके जो कभी एक प्रमाण दिखाओ जिसमें साकार लिखा हो, एक प्रमाण दिखाओ स्वामी दयानंद का, कहाँ लिखा है? महर्षि दयानंद जी ने कहीं भी जीवात्मा साकार नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, एक जगह भी नहीं लिखा, और मैंने आपको तीन प्रमाण दिए। इन लोगों ने जो बताते हैं मैं सुना हुआ होगा कि बता रहे कि सूक्ष्म स्थूल के बाद आता है कि परम पिता परमात्मा जीवात्मा से सूक्ष्म है, ठीक है, तो इसी कारण से स्थूल हो गए जीवात्मा, स्थूल होने के कारण से ये है आकार वाला है, और सूक्ष्म होने से ये निराकार है। प्रकृति जगत से सूक्ष्म है या नहीं? प्रकृति जगत से सूक्ष्म है। क्या वो निराकार मानोगे आप? जो निराकार माने तो सूक्ष्म का आपने नियम बताया, जो सूक्ष्म है वो निराकार है और जो उससे स्थूल है वो साकार है, तो प्रकृति जगत से सूक्ष्म है, क्या उसको आप निराकार मानेंगे? इसलिए उसको आप निराकार नहीं मान सकते जी। तो स्थूल सूक्ष्म शब्दों के आधार पर आप निराकार साकार सिद्ध नहीं कर सकते, तो ये हेतु आपका फेल है। साकार शब्द दिखाओ, एक भी नहीं दिखाया आपने। मैंने आपको तीन प्रमाण दिए जिससे आत्मा निराकार सिद्ध होता है, तीन में से दो तो सीधे बताए, निराकार लिखा ही है,
और एक पत्र पत्र विज्ञापन में एक और पत्र भी है स्वामी दयानंद के हाथ का लिखा हुआ जी। उस हस्तलेख में भी उन्होंने लिखा है जीव का स्वरूप निराकार है, और फिर उसका भी कोई पुस्तक प्रिंट हुई है, उसका प्रिंट कटिंग भी है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, हस्तलेख भी भेजूंगा और उसकी प्रिंट कटिंग भी, दोनों उसी को प्रिंट कर दिया था पुस्तक में जी। तो वो तो चलो एक ही प्रमाण मान लेते हैं, पत्र वाला एक, पत्र वाला दो, उपदेश मंजरी के तीन, और चौथा सत्यार्थ प्रकाश का, मैंने चार प्रमाण दिए स्वामी दयानंद के जिनसे सिद्ध होता है कि आत्मा निराकार है। आप एक तो दिखाओ साकार वाला, एक भी नहीं दिखाते, खामखा हल्ला कर रहे, शोर मचा रहे। बाकी कोई ऋषि आओ, बाकी अन्य कोई शास्त्र में कोई स्वामी जी ऐसा कोई सीधा अभी पकड़ में नहीं आया, कोई तर्क में स्वामी जी है, कोई मतलब शब्द प्रमाण को लेते हुए तर्क। हाँ तर्क ये है, तर्क सुनो जी। अब हमारा पंचव्यूह सुनो जी। आत्मा निराकार है जी। चेतन होने से ये हेतु है जी। जो जो वस्तु चेतन होती है वह निराकार होती है, ये व्याप्ति जी। जो जो वस्तु चेतन होती है वह निराकार होती है। उदाहरण, जैसे ईश्वर, जैसे ईश्वर चेतन है वैसा ही आत्मा भी चेतन है, इसमें तो कोई शंका नहीं। आपको आत्मा को जड़ मानोगे क्या, चेतन ही तो मानोगे। तो जैसा ईश्वर चेतन है ऐसा आत्मा भी चेतन है। निगमन, चेतन होने से आत्मा निराकार है, ये हमारा पंचव्यव है। हमने पंचव्यव से भी सिद्ध कर दिया, हिम्मत है तो काट के दिखाओ, पंचव्यव को काट के दिखाओ, हिम्मत है तो। व्याप्ति में दोष है ही नहीं, तो काट के दिखाओ ना फिर, वही तो हम चैलेंज कर रहे हैं आपको। ये लोग पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं, बात करना आता नहीं, पंचव्यव का पता नहीं, जाति का प्रयोग करते हैं, हेतुआभास का प्रयोग करते हैं और हल्ला मचाते फिर रहे हैं। तो यूपी के जो आर्य हरीश खारिजी को यहाँ जो प्रश्न किए उन्होंने, क्या क्या पूछा है, ये हाँ। ये हमको चैलेंज करने जैसे बता रहे हैं हाँ। जिस वस्तु का कोई ना कोई आयतन है उसका कोई ना कोई आकार होगा, इनसे ये पूछो आकार की परिभाषा बताओ हाँ। इनसे ये पूछो आकार की परिभाषा बताओ, आकार किसको मानते हो आप, वो लिखे उस परिभाषा से डिसाइड होगा कि उसमें आकार होता है कि नहीं होता है। जब तक आप आकार की परिभाषा नहीं बताएंगे, ये तो आपके घर की व्याख्या है। आगे ये लिख रहे हैं स्वामी जी, आकार होगा चाहे वह गोल हो, पतला हो, लंबा हो, घनाकार हो, परंतु कोई ना कोई आकार अवश्य होगा। हाँ तो आकार की परिभाषा करें फिर पता चलेगा। कोई आर्य उपरोक्त सिद्धांत स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी के भेजकर इन सिद्धांत में क्या गलत है यह पता करवाइए। तो अभी गलती आपने जो बताया कि जिस वस्तु का कोई ना कोई आयतन है उसका कोई ना कोई आकार होगा, हाँ, ये गलत आपका गलत है, गलत है। आप आकार की परिभाषा लिखकर भेजो हमको, आकार की परिभाषा लिखकर भेजो। यदि मान के चले आकार वो बताते हैं स्वामी जी हाँ, कल्पना कर लेते हैं हाँ, यदि आकार की परिभाषा ये बताएंगे कि उसको चेक करेंगे कि वो जीवात्मा पर लागू होती है कि नहीं और जड़ वस्तुओं पर लागू होती है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग करेंगे फिर बताएंगे उत्तर, बिल्कुल बताएंगे। हम मान कल्पना करते हैं स्वामी जी हाँ, आकार किसको कहते हैं, हम प्रयास करते हैं उनके पक्ष से हाँ, तो अभी उपस्थित है नहीं बोलो, उनके पक्ष से हमने ये कल्पना करेंगे कि आकार जिसको कहते हैं जिसका भारी हो, कोई जिसका जिसमें कोई ठोस बना हो हाँ, ठोस हो, भार हो, रूप हाँ, रंग हो, रूप रंग हो, ये आकार का बनेगा जी। क्योंकि ये जितने आकार वाले पदार्थ हैं इनमें सब में रूप रंग है, ये प्रत्यक्ष हैं जिसको आप साकार मान रहे हैं। जगत को साकार मानते हैं या निराकार, साकार मानते हैं। तो टेबल कुर्सी जो साकार मान रहे हैं उसमें रूप रंग आकार भार है या नहीं है, है। तो आकार का मतलब ये बनेगा, अच्छा संस्कृत में जिसमें रूप हो, रंग हो, आकार हो, भार हो, उसका नाम रूप रंग हो, शेप हो, कलर हो, डिजाइन हो और भार हो, उसका नाम है आकार गुण, ये बनेगा जी। अब ये देखो जीवात्मा में रूप रंग आकार कलर डिजाइन भार वगैरह कुछ है ना, तो कहाँ निरा कहाँ साकार हुआ, सीधे सीधे तो अपरिणामी में बताया कि अवयव से रहित ही बताया उसने, तो फिर साकार कहाँ हुआ, खाओं का हल्ला मचा रहे हैं ये लोग, शोर मचा रहे हैं, वो ये कर दिया वो कर दिया। अरे कोई ढंग से अकल से बात तो करो, कोई परिभाषा तो करो। आपने आकार की परिभाषा जो बनाई वो जीव पे लागू नहीं होती, ईश्वर पे लागू नहीं होती, प्रकृति पे हर वस्तु पे लागू होती है, इसलिए प्रकृति साकार है, जीव और ईश्वर दोनों निराकार है। और इनको कह देना कोई और आपकी अलग परिभाषा हो आकार की तो वो भी भेज दो, उसको हम प्रकृति पे भी चेक करेंगे और जीव पे भी और ईश्वर पे भी, तीनों पे चेक करेंगे, फिर पता लगेगा कौन साकार है और कौन निराकार है। ऐसे थोड़ी होती है बात, ठीक है। और अगली बात बता दूं, ये लोग क्या घोटाला कर रहे हैं वो और सुनिए घोटाला इनका।
हमने ये कहा कि ईश्वर के समान आत्मा चेतन है जी, ठीक है, पंचवयव जो अभी सुनाया था, आत्मा निराकार है, चेतन होने से जो वस्तु चेतन होती है वो निराकार होती है जी। जैसे ईश्वर, तो आत्मा भी ईश्वर के समान चेतन है, चेतन होने से निराकार है। जब हमारे पंचवय सिद्ध हो गए, अब इनको उत्तर तो कुछ बना नहीं, तो इन्होंने जाति का प्रयोग करके हमारी बात को काटा, जो कि अनुचित है, जाति तो धोखाधड़ी है। इन्होंने जाति क्या फैलाई, इन्होंने कहा कि यदि आप ईश्वर के समान आत्मा को जी। आप चेतन मानोगे, ये इनका उत्तर है। अगर आप आत्मा को चेतन नहीं निराकार निराकार मानोगे, चेतन तो है ही, चेतन तो वो भी मान रहे हैं, दोनों मान रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि आप ईश्वर के समान आत्मा को निराकार मानोगे चेतन के हेतु से, तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो जीवात्मा भी सर्वव्यापक होना चाहिए, ये इनका आक्षेप है। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि नहीं, ये तो जाति का प्रयोग है। न्याय दर्शन में 24 जातियां बताई हैं आपने, पढ़ रखी, 24 जातियों में एक जाति है जिसका नाम है उत्कर्ष समा जाति। ये न्याय दर्शन के 5वें अध्याय में प्रथम आहनिक में सूत्र संख्या 4 वहां पर मिलेगा आपको। 5, 1, 4 ठीक है, उसमें जातियों का वर्णन है प्रथम आहनिक में जी। तो उसमें 4थे सूत्र में 6 जातियां बताई हैं, उन 6 में है उत्कर्ष समा। ये उत्कर्ष समा जाति का प्रयोग है, ये तो चालाकी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। हमने जो ईश्वर का उदाहरण दिया, उत्कर्ष समा जाति क्या होती है वो सुनिए। उत्कर्ष समा जाति ये होती है कि जो दृष्टांत दिया गया, दृष्टांत दिया था हमने चेतनत्व का, व्यापकत्व का नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कहा था जो जो वस्तु चेतन होती है वो निराकार होती है, तो बात तो हमने चेतन की कही, इन्होंने चेतन को तो छुआ भी नहीं। खंडन करना था तो इस हेतु का खंडन करते कि आत्मा चेतन नहीं है, ईश्वर चेतन नहीं है, इस बात का खंडन करना चाहिए था, वो तो किया नहीं। तो इन्होंने चालाकी क्या की, जो हमने हेतु रखा उसको तो छुआ नहीं, इनको पता है उसको छूते ये करंट लगेगा इनको फिर ये उत्तर दे नहीं पाएंगे। तो चालाकी क्या की इन्होंने, जो दृष्टांत था ईश्वर का, हाँ सुनो सुनो ध्यान से सुनो, जो ईश्वर का हमने दृष्टांत दिया उसमें एक नया धर्म पकड़ लिया जी। जो दृष्टांत में तो है और साध्य में है नहीं, दृष्टांत में साध्य में नहीं है, व्यापकता, व्यापकता, व्यापकता धर्म ईश्वर में तो है, है और जीवात्मा में तो है नहीं, तो एक नए धर्म को साध्य में बढ़ा करके दिखाना, इस तरह से आपत्ति उठाना, ये उत्कर्ष समझ आती है। ये कोई खंडन थोड़ी हुआ हमारी बात का, खंडन करने का दम है तो चेतन का खंडन करके दिखाओ। बात करते हैं ऐसे फालतू की, हिम्मत है तो चेतन का हेतु हमने दिया है चेतन होने से, इसका खंडन करके दिखाओ। तो स्वामी चेतन को तो कोई देख नहीं पाता है, ये तो सीधे बात है, फिर उसको कैसे जानेंगे? नहीं, जो हेतु दिया उसको काट के दिखाओ ना, आप तो कहीं बाहर जा रहे हैं टॉपिक से। दृष्टांत का एक ऐसा धर्म जो हमने प्रस्तुत नहीं किया जी। उसको उठा करके आप साध्य में दोष दिखा रहे हैं, ये उत्कर्ष समा जाति है, और जाति का मतलब धोखाधड़ी, ये तो धोखेबाज लोग हैं, चालाकी कर रहे हैं, ये कोई उत्तर थोड़ी है हमारी बात का। इसलिए आत्मा निराकार है चेतन होने से, हमने पूरी पंचवय रखा है, इन्होंने खंडन नहीं किया, इसलिए इनकी बात झूठ है। हाँ जी, वो अलग चीज़ है।